कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में एक जर्मन साइंटिस्ट ने दिया था, और उन जर्मन साइंटिस्ट का नाम क्या है? अल्फ्रेड वेगनर, ये दिया है नाम, और ये है आपके अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। 1912 में ये एक स्पीच देने गए थे, और स्पीच के दौरान उन्होंने ये थ्योरी को प्रपाउंड किया था या कॉइन किया था। थ्योरी का नाम क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन याद रखना, अगर मेरे को भी आज आपको लेक्चर देना है, मान लो मुझे कुछ लेक्चर देना है, तो मुझे कुछ तो प्रिपेयर करना होगा, और अगर मुझे कोई थ्योरी देनी है तो मुझे कुछ एविडेंसेस देने पड़ेंगे जो मेरी इस थ्योरी को सही साबित करे। क्लियर है? तो अल्फ्रेड वेगनर ने सोचो उस वक्त क्या बोला होगा, और उस वक्त जो उनने बोला था उस पर आज भी रिसर्च चालू है। उन्होंने सिंपल सी एक बात बोली थी कि बहुत साल पहले, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, हमारी जो पूरी एक पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है उसमें एक सिंगल लैंड फॉर्म हुआ करता था, ठीक है। इस सिंगल लैंड फॉर्म का नाम था पेनजिया। क्या नाम था? पेनजिया। और इस पेनजिया के अगल बगल या इस पेनजिया को चारों तरफ से घेरे हुए एक महासागर था, ओशन था। क्या था? ओशन। उस ओशन का नाम था पैंथा लासा। क्या नाम था? पैंथा लासा। तो पैंथा लासा क्या हो जाएगा? सुपर ओशन। क्या हो जाएगा? सुपर ओशन मतलब वृहद, क्या बोल रहा हूं मैं, महासागर। तो पेनजिया क्या हो जाएगा? वृहद महाद्वीप। क्लियर है? वृहद मतलब सुपर कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने ये बोला कि एक जो सिंगल लैंडफॉर्म था वो था आपका पेनजिया, और पेनजिया के चारों तरफ एक ही सुपर ओशन था जिसका नाम था पैंथलासा। बाद में मालूम क्या होता है? बाद में यही पेनजिया, अब कौन सा बात, कई करोड़ साल बाद यही पेनजिया लॉरेशिया में बदलता है और गोंडवाना लैंड में बदलता है, ठीक है। और बाद में यही दो चीजें आज हमें अलग अलग सात कॉन्टिनेंट्स देती है। क्लियर है? मतलब इनिशियल फेस में एक ही सिंगल लैंडफॉर्म था, स्थलाकृति थी, एक ही सिंगल भू आकृति, और सबसे बड़ा महाद्वीप था जिसे वृहद महाद्वीप कहा गया, सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया, और सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पेंजिया। क्लियर है? इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी। और इस सुपर कॉन्टिनेंट के अगल बगल एक सिंगल ओशन था, उस सिंगल ओशन का नाम था पैंथालासा, जिसे सुपर ओशन की संज्ञा दी गई है। क्लियर है? बाद में यही पेंजिया टूट कर बनता है ऊपर वाला हिस्सा, नदन वाला हिस्सा बनता है लॉरेशिया, और सदन वाला मतलब नीचे वाला हिस्सा बनता है गोंडवाना लैंड। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, मतलब देखो ये मेरा हो जाएगा पेंजिया। क्लियर है? बाद में यही पेंजिया टूटकर बनेगा ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड, और बाद में यही सात महाद्वीप में फिर से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कब डिवाइड होगा? कई करोड़ साल बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, ठीक है। लेटर तो यहां पर आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, यहां पर मिलेगा यूरोप, उससे लगा हुआ एशिया, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका से नीचे मिलेगा आपको साउथ अमेरिका, और उसके बगल में मिलेगा अफ्रीका, ठीक है। बीच में मिलेगा मेडिटेरेनियन सी, यहां मिलेगा इंडिया, नीचे मिलेगा एंटार्क्टिका, ऊपर मिलेगा आर्कटिक। ऐसे बाद में सेवन कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स बनते हैं? सेवन कॉन्टिनेंट्स। मतलब ये सेवन कॉन्टिनेंट्स को अगर देखा जाए तो इन सब का ओरिजिन कहां मिलता है आपको? इसी पेंजिया में मिलता है। और यही थ्योरी दी थी किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। और इस थ्योरी का नाम क्या था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विवर्तनी का सिद्धांत। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। डाउट है क्या? नहीं है।
देखिए ये डायग्राम मिल रहा अपन को, क्लियर है? तो डायग्राम को ध्यान से देखना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंतर्गत हमें जो चीज समझनी है कि कैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए हैं, उसका ये सबसे बेसिक डायग्राम माना जाता है, ठीक है? इसमें अपन को यहां पर जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये सिंगल लैंडफॉर्म है। ये क्या है? एक सिंगल लैंडफॉर्म है जिसका नाम क्या है? पेंजिया। मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या है? लैंडफॉर्म। और ये जो आपको पेंजिया के अगल बगल एक सिंगल सुपर ओशन देखने को मिल रहा है, वृहद महासागर देखने को मिल रहा है, इसका नाम है क्या? पैंथालासा। क्लियर है? और ये कब की बात हो रही है? सम 225 मिलियन ईयर्स ऑफ एगो, बहुत साल पहले की बात हो रही है। मतलब एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमारी अर्थ इवॉल्व हुई थी, ठीक है, उस समय ये स्ट्रक्चर रहा होगा। ऐसा किसने बोला है? अल्फ्रेड वैगनर ने बोला है। और इसको प्रूफ करने के लिए उनने कुछ थ्योरी को एक बारी बारी अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा है जिग सॉ फिट। क्या लिखा है अपन ने? जिग सॉ फिट। अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, जस्ट नीचे वाले को। जिग सॉ फिट का मतलब यह है कि बहुत करोड़ साल पहले जब हमारा पेंजिया हुआ करता था, और जब पेंजिया के बाद छोटे छोटे हमारे कॉन्टिनेंट्स ने रूप लेना चालू किया, तब उनमें एक सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है जो ये बताती है कि कॉन्टिनेंट्स जितने भी है उनकी जो कोस्ट लाइन है, क्या लाइन है? कोस्ट लाइन मीन्स तट रेखा है। जैसे कि साउथ अमेरिका की ये देखो, ये कौन सा है? ईस्ट कोस्ट को देखो, और अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट को देखो। इनमें आपको एज इट इज जिग सॉ फिट देखने को मिलेगा। मतलब अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए ना, आपस में जोड़ दिया जाए तो ये जुड़ जाएंगे एज इट इज, ठीक है? इन दोनों की जो कोस्टल बॉर्डर है ये मैच करती है। फर्स्ट एविडेंस, इसे क्या बोला गया? जिग सॉ फिट। अब देखो सेकेंड एविडेंस था जो अपन ने बाद में लिखा, जिसका नाम है प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि अगर इन दो तटरेखों को या तटरेखा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज तो इसमें प्रूफ होती है कि इन दोनों के बीच में पहले यहां पर ओशन आपको नहीं देखने को मिलता था, नहीं है ना? मतलब ओशन का फॉर्मेशन तो बहुत बाद में हुआ है। ओशन का जो फॉर्मेशन है, इन दोनों के बीच में जो महासागर है, अभी वर्तमान में इन दोनों के बीच में कौन सा महासागर है? एटलांटिक ओशन है। इस एटलांटिक ओशन की अगर आप कोस्ट की बात करो, इस कोस्ट की बात करो, तो यहां पर जो डिपॉजिट्स देखने को मिलता है ना आपको, ये डिपॉजिट आपको जोरासिक एरा का देखने को मिलता है। किसके एरा का देखने को मिलता है? जोरासिक एरा का देखने को मिलता है। तो एक थ्योरी ये बताती है, एक थ्योरी प्लेसर डिपॉजिट्स की ये बताती है कि एटलांटिक ओशन के कोस्ट में जो डिपॉजिट आपको देखने को मिलता है वो जोरासिक एरा का है। मतलब ये सिद्ध करता है, ये क्या प्रूफ करता है? कि जोरासिक एरा के पहले यहां पर ओशन नहीं था। अब तीसरी थ्योरी ये बताती है टेलाइट की। टेलाइट की थ्योरी क्या बोलती है? टेलाइट की थ्योरी ये बोलती है कि जैसे गोंडवाना लैंड कहा गया था, वहां पर टेलाइट का सबसे ज्यादा आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है। टेलाइट है क्या? टेलाइट कुछ नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब अवसादी चट्टाने। अब देखो ये जो टेलाइट है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये कहां कहां देखने को मिल रही है आपको? इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, एंटार्क्टिका में, और देखना साउथ अमेरिका के इस तरफ एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है फॉकलैंड, और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया बोल चुका हूं मैं। तो यहां पर जो रॉक फॉर्मेशन मिल रहा है ना, ये सब रॉक फॉर्मेशन गोंडवाना लैंड के टाइम का है। मतलब ये भी प्रूफ करता है टेलाइट के माध्यम से कि क्योंकि इन सब में एक जैसा रॉक फॉर्मेशन है, भले ही आज की कंडीशन कुछ भी हो, भले ही आज की कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन पहले ये सिद्ध कर रहा है कि ये सारे जितने भी आपको लैंडफॉर्म्स अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, ये सब एक ही लैंडफॉर्म थे, और उस लैंडफॉर्म का नाम क्या था? गोंडवाना लैंड। मतलब हमारा इंडिया भी कहां से आया है या कहां से इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा? गोंडवाना लैंड। क्लियर है? और चौथा सबसे इंटरेस्टिंग, फॉसिल्स का मिलना है ना? किसका मिलना? फॉसिल्स का मिलना। अब फॉसिल्स क्या? सिंपल सा मतलब होता है जीवाश्म। क्या मतलब होता है? जीवाश्म। तो अब अपन किन के फॉसिल्स की बात करेंगे? तो यहां फॉसिल का सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है लेमूर्स का मिलना। किसका मिलना? लेमूर्स का मिलना। अब लेमूर्स क्या है? ऐसे तो पूरे भारत में, हमारे पूरे इंडिया में लेमूर्स नहीं देखने को मिलते हैं, है ना? लेमूर्स ना कोई घास है ना कुछ है, लेमूर्स आपका ये कहलाएगा। ये कौन है? ये लेमूर्स है। अब ये जो क्लिप है, मैं वही बता रहा हूं, ये जो क्लिप है ना, ये किसकी क्लिप है? मेडागास्कर, एक एनिमेटेड मूवी आई थी उसकी क्लिप है। किसकी क्लिप है? मेडागास्कर।
है ना। और मेडागास्कर मूवी जो है ना वो एक आइलैंड के ऊपर बनी मूवी है, उस आइलैंड का नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। अब समझना, मेडागास्कर में ये लेमूर को दिखाया जा रहा है, ठीक है। और अगर अभी की बात करें तो लेमूर मेडागास्कर में भले ही मिलते हैं लेकिन इंडिया में नहीं मिलते हैं। लेकिन मालूम है इंडिया में लेमूर्स के फॉसिल देखने को मिले हैं। ये लेमूर है। अब इसके फॉसिल अगर आपको इंडिया में देखने को मिल रहे हैं तो ये क्या प्रूफ करता है? ये प्रूफ करता है कि बहुत करोड़ साल पहले इंडिया, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया एक ही लैंडफॉर्म रहे होंगे, ठीक है। किसी के फॉसिल मिलना मतलब ये प्रूफ करता है कि बहुत साल पहले लेमूर्स भी इंडिया में थे लेकिन आज की डेट में नहीं है। लेकिन फॉसिल तो मिलना ही एविडेंस प्रूफ करेगा ना कि पहले रहे होंगे, ठीक है। तो जब इसकी रिसर्च की गई ना तो जो अल्फ्रेड वैगनर ने कहा था वो पूरा प्रूफ होता है, ठीक है। और यही अल्फ्रेड वैगनर की क्या है आपकी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो आज कैसे साबित हो रही है? आज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि 7 कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ था। और उनने एविडेंसेस कौन कौन से दिए थे जो अभी आपको मैंने बताए हैं।